have two charges, this and this, are located 15 cm apart. At what point on the line joining the two charges in the electric potential C? Is the potential at infinity to V? हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था? Q1 गिवन था, Q2 गिवन था, एक बीच का डिस्टेंस गिवन। अब बोल रहा था कि हमें एक पॉइंट निकालना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो, ठीक है? एंड साथ में वो गिवन भी हो रहा है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू kQ/r, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। यानी अगर r की वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तो V क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है? लेकिन हमने दूसरे क्वेश्चन में गिवन ही है इन्फिनिटी तो जीरो, तो ये नहीं कह सकते। अब हमें फिर ऐसा दूसरा पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो? देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव का पोटेंशियल क्रिएट होगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का पोटेंशियल क्रिएट होगा। यहाँ पर एक पॉइंट होगा, ठीक है? सपोज कर लेते हैं यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो एक्स, ठीक है? यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 - x। अब इन दोनों का जो नेट पोटेंशियल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल लिख देते हैं के, P1 के लिए क्या यूज करेंगे? 5 × 10⁻¹⁸ a। एंड अपन ने क्या यूज करेंगे? r की जगह x लिखेंगे, प्लस, लेकिन क्योंकि वो माइनस का चार्ज है तो मैं माइनस लिखूंगा। एंड k दूसरा चार्ज आ गया 16 - 3 × 10⁻¹⁸ a। एंड अपन ने क्या देगा? 16 - r, ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू। अब अगर हम इसको चाहे तो कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हैं या उसको उस तरफ दे सकते हैं। अगर ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? से को काट सकते हैं। अब हमें क्या 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा। अब हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 80 है, एक चार्ज का पहले इधर लिख दिया, दूसरे चार्ज का हमने इस तरफ लिख दिया है। एंड फिर हमने क्या किया? सॉल्व करने के बाद हमें इधर से कहना तो उधर से कितना आ जाएगा? 16 में से 22 कर देंगे, 6 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द कॉर्नर ऑफ एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। ठीक है, तो एक हेक्सागन है, इसके कॉर्नर पे हमें चार्जेस गिवन है। कितना चार्ज गिवन है? 5 माइक्रो, ठीक है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रखा है? 10 सेंटीमीटर, सारे हरे हैं, ठीक है? अब हमें इसके सेंटर पे, जो उसका सेंटर कहाँ होगा जहाँ पे इसके सारे डायग्राम ड्रॉ करने होंगे, ठीक है? ऐसे यहाँ पे इसके सेंटर पे हमें निकाल करना है पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल निकालने से पहले हम किसी भी क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगा, अगर यहाँ चार्जेस रखे हैं तो ये चार्जेस है, ये यहाँ पे हम कभी भी निकालते हैं तो क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव रखा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा, इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? इस तरफ बनेगा। इसका हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बन रहा है, इसका और सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा पर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब वो सिर्फ क्या होगा? एड होगा, उसी डायरेक्शन से कोई मतलब। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे तो आगे मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, ए एक ही जगह 9 × 10⁻¹⁹ लिख सकते हैं। चार्ज हमें गिवन है 5 माइक्रो, ठीक है? अपॉन में क्या होता है? आर। अब आर हमें कौन सा लेना है? ए वाला लेना है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये रेगुलर ट्राइंगल होता है, रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है? ये जो होता है वो 180 होता है, ठीक है? तो ये कितना होगा? 60। उसी तरीके से ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 10 है, तो वो भी क्या रहेगा? 10 सेंटीमीटर। हम 10 सेंटीमीटर में ध्यान रखते हैं कि यहाँ क्या रखते हैं? मीटर में रखते हैं। तो ये 10 × 10⁻²। अब ये तो 1 से है, मुझे 6 से निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 6 से मल्टीप्लाई, ये टोटल पोटेंशियल हो जाएगा।
अब हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी है, हम क्या करेंगे 36, 30 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270। और यहाँ क्या आ जाएगा 10^4 प्लस 9 है माइनस 6 है, तो यहाँ क्या माइनस का रहेगा तो ऊपर आएगा तो प्लस का होगा। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या रहेगा रिजल्ट का, हम लिख भी सकते हैं यहाँ क्या है 10 में से 6 गया 4 बचा, और अगर हम इसको 2.7 लिखना चाहते हैं तो 4 और ये 2 और एड हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। अब हम इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, तो यूनिट क्या लिखेंगे वोल्ट लिख सकते हो ठीक है, और दूसरा भी वोल्ट ही लिखते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व ट्रायंगल हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है कि उसके एंगल जो होता है वो क्या होता है 60, ये तीनों क्या होंगे रिलेटेड ट्रायंगल फॉर्म, ये हमें जरूरी है। यस क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स में हमें क्या दिया है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप एंड लॉस ईच कैपेसिटर the combination is connected to 124 supply। हमें क्या गिवन है 3 कैपेसिटर है सीरीज में कनेक्ट है ठीक है 9 पिको फैरेड के हैं तीनों सीवन अब तीनों सेम ही है तो 16 ही है। और फिर हमसे पूछा था नेट कैपेसिटेंस, तो सीरीज में नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं कैसे निकालते हैं क्या हो जाएगा 1/C + 1/C + 1/C उसको डायरेक्ट 3/C लिख सकते हैं। सी नेट क्या हो जाएगा सी जो भी है 9 पिको फैरेड और वन क्या हो जाएगा 3, तो 3 पिको फैरेड ठीक है सॉल्यूशन से। अब क्या कह रहा है वो इसको 120 वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर 120। अब हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल ड्रॉप हर एक कैपेसिटेंस पे कितना ठीक है, तो हम जानते हैं कि सीरीज में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा डिफरेंट नहीं क्योंकि कैपेसिटेंस सबका सेम है ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा सबके सेम होगा, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 40 40 40 120 पोटेंशियल। अदरवाइज अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम निकाल भी सकते हैं, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू सी डी, तो यहाँ अगर क्यू नेट है तो क्या हो जाएगा सी नेट आएगा और बी पूरा आएगा, तो सी नेट हमें पता है ठीक है, तो क्यू नेट हमें पता चल जाएगा 3 × 120 करते हैं तो ये टोटल कितना चार्ज आ रहा है 3 6 3। अब ये हमें पता चल गया ये पीको फैरेड में है तो हम क्या लिखेंगे पीको कूलम 3 पीको फैरेड का पीको कूलम। अब यूनिट है अगर हम निकालना चाहते हैं V1 तो V1 क्या आ जाएगा V1 अपॉन C1 यानी Q कितना है 360 अपॉन में क्या है C1 C1 की वैल्यू कितनी थी 9 तो हम 9 रखेंगे तो 9 पीको फैरेड पीको कूलम है और ये क्या है पीको कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 40 और पीको से पीको कैंसिल तो आपका निकलेगा 40 ठीक है, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ऐसे ही हम तीनों में फॉर्मूला लगा सकते डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं एंट्रेंस में हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 पीको फैरेड 3 पीको फैरेड 4 पीको फैरेड आर कनेक्टेड टू इन पैरेलल, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। हमें क्या गिवन है 3 कैपेसिटर पैरेलल करें 2 3 एंड 4, ये 2 है ये 3 है ये 4 है, हमसे नेट कैपेसिटेंस पूछा तो नेट कैपेसिटेंस में पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं डायरेक्ट C1 C2 और C3 तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 पीको फैरेड। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पूछा जा रहा है चार्ज पूछा है ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या पूछा है चार्ज पूछा जा रहा है जब वो कौन से वोल्टेज उसे अप्लाई है 100 वोल्टेज सप्लाई से करें, तो चार्ज का हमने फॉर्मूला सिंपली पढ़ा है फिर क्या होता है सीवी, अगर हम क्यूबर निकालना चाहते हैं क्या सीवर वी कॉमन पोटेंशियल होगा सबका, हम क्या करेंगे C1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय V कितना 100 ठीक है, और ये पीको फैरेड में तो मैं 10 इसको माइनस 12 भी लिख रहा हूं, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 2 × 10^-10 कूलम क्यूबर। इसी तरीके से हम Q2 भी निकाल सकते हैं, तो Q2 क्या होगा 3 × 10^-10 कूलम, ऐसे ही क्या होगा Q4 3 आएगा
क्या है फोर इंटू डायमेंशन ऑफ माई स्केल. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे चार्जेस निकालेंगे. सबने जानते हैं यही फॉर्मूला है सी क्योंकि वोल्टेज सबने सेम रहेगा सिर्फ कैपेसिटेंस का रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 a charge of a vehicula is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of minus 2 multiplied by 10 to minus 2 coulomb from point P to point Q via a point R. हमारे पास तीन point given है. क्वेश्चन क्या दिखा है ये पी है ये क्यू है ये आर है. तो क्या कह रहा है ऑरिजिन पे एक चार्ज रखा है एक डी कूलम और एक चार्ज दूसरा है माइनस टू यानी उसको माइनस नाइन कूलम पी पॉइंट पे. अब उसको क्या करना है पहले आर पे ले जाना है फिर क्यू पे. तो अब पूछा जा रहा है वॉगन कितना ठीक है. तो वॉगन का हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी क्यू का फॉर्मूला क्या है पढ़ा है. तो अब हम इसको लिख सकते हैं अगर हमें पोटेंशियल पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं वॉटर निकाल सकते हैं तो हम पोटेंशियल निकाल. बट इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या है कंजर्वेटिव फोर्स तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. वैसे गया ऐसे गया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो डिपेंड किससे करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट. दूसरी चीज हम इसमें देख सकते हैं यहाँ पे भी x जीरो है यहाँ भी x जीरो है यहाँ भी x है ठीक है. तो x का इसमें कोई रोल नहीं है. अब नेक्स्ट चीज हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ z की वैल्यू दी है ना तो y की वैल्यू तो हमें क्या लेना चाहिए ये सिर्फ डिस्टेंस. तो पहले मैं इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कितना पोटेंशियल है वो निकाल. तो वो कैसे निकलेगा हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं v का. क्या होता है ए क्यू वाई ए आर आर की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ क्यू कौन सा है ये वाला ये पोटेंशियल तो हम निकाल रहे हैं ना पोटेंशियल किसका निकाल रहे हैं इसका निकाल ठीक है. तो यहाँ पे जो ये क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है वो ये वाला पोटेंशियल हमारा कौन से चार से निकलेगा इससे ये हमें किसके रिस्पेक्ट में होगा ये क्या है इसके पी के लिए है और ऐसा ही पोटेंशियल क्या होगा क्यू के लिए निकलेगा हम क्या लिखेंगे ए क्यू वाई में क्या लिखेंगे फोर. अब वॉगन निकालना चाहते हैं तो वॉगन के लिए क्या करेंगे पोटेंशियल का दोनों का यहाँ पे क्या आएगा माइनस सिंबल आएगा ठीक है. तो यहाँ पे चेंज हो रहा है बेसिकली हम क्या लिखेंगे माइनस तो ये हमारा कितना हो जाएगा ए क्यू वाई थ्री माइनस ध्यान देना है वो कहीं से भी घूम फिर क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और किसी तरह के विषय थर्टीन देखते हैं. थर्टीन क्या कह रहा है अ क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एल एट द सेंटर ऑफ द. हमसे पोटेंशियल पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है क्यूब के सेंटर. तो जैसा कि हम जानते हैं क्यूब का जो सेंटर होगा मैंने बोला था कंडक्टर है तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो होगा. हमसे क्या पूछा जा रहा है पोटेंशियल पूछा जा रहा है तो पोटेंशियल के लिए हम क्या लगा देंगे ये फॉर्मूला लगा देंगे ए क्यू बाय आर. तो हमारा क्या जाएगा सॉल्व. बट ये ध्यान में हमें ये साइड दे रखी है हमें किसका निकालना है ये वाला डिस्टेंस निकालना है ठीक है. क्यू के जहाँ पे अपोजिट एजेस स्क्वीज करेंगे डायगोनल फॉर्म होगा जहाँ पे डायगोनल का इंटरसेक्शन है ना वहां पे रखता हूँ. कोई भी अगर हम क्यूब इमेजिन करें तो क्यूब के बिल्कुल बीचों बीच रखता है. तो ये साइड का डिस्टेंस नहीं लेंगे ये डिस्टेंस हमें निकालना डिस्टेंस हम देख सकते हैं रूट थ्री बाय टू जो भी साइड
ठीक है, फ्री वैल्यू पुट करके हमारा सॉल्व।